एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। इस वीडियो में आपसे पूछे जाएंगे 15 जीके के क्वेश्चन, जिसमें से आपको 8 के सही जवाब देने हैं। और ये जो प्रत्येक क्वेश्चन है वो 5 सेकंड के लिए आपको समय दिया जाएगा सोचने का, उसके बाद आंसर बता दिया जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पर ऐसी वीडियो आती रहती हैं। और इसी के साथ हम अपना पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्तीय आपातकाल का जिक्र करता है? तो आपके पास है 5 सेकंड। सी जो आंसर करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 360 इसका जिक्र करता है। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, पोलियो वैक्सीन को किसने विकसित किया था? तो 5 सेकंड आपके पास। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जोनास साल्क ने इस पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किया या विकसित किया, बात एक ही है। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, महाराजा धीराज की पदवी पाने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो 5 सेकंड आपके पास। ए आंसर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, चंद्रगुप्त प्रथम, जिसने महाराजा धीराज की पदवी प्राप्त की थी। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी में पूछा जा चुका है 2017 के पेपर में। दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो 5 सेकंड आपके पास। ए आंसर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, माउंट एको कागुआ, बिल्कुल राइट आंसर है, आपको याद रखना। अगर आप चाहें तो एक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो 5 सेकंड आपके पास। सी आंसर बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे, भानु अधेया, जिनको सबसे पहले भारत में ऑस्कर पुरस्कार दिया गया। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, चीन के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? तो 5 सेकंड आपके पास। बी आंसर यहां बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ली के कियांग, यहां बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ये चीन के वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर हैं। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्नलिखित में से किस देश में माओरी जनजाति पाई जाती है? तो 5 सेकंड आपके पास। और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, न्यूजीलैंड में माओरी जनजाति पाई जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज इसको एक लाइक और एक शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कालबेलिया लोक नृत्य किस राज्य का है? तो 5 सेकंड है आपके पास। सी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे राजस्थान का कालबेलिया लोक नृत्य है। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो 5 सेकंड है आपके पास। बी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, आंध्र प्रदेश राज्य भाषा के आधार पे सबसे पहले बना। क्वेश्चन में ये भी पूछ लिया जाता है, आंध्र प्रदेश राज्य कब बना? तो आपको बताना है 1953 में बना। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए, टकला मकान रेगिस्तान किस देश में स्थित है? तो आपके पास है 5 सेकंड। डी आंसर यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, चीन में ये टकला मकान रेगिस्तान स्थित है। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया? तो 5 सेकंड है आपके पास। बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया। ये युद्ध 1191 में लड़ा गया था। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, पत्थर के औजार किस काल में पाए गए थे? तो आपके पास है 5 सेकंड।
डी आंसर यहाँ करेक्ट हो जाएगा। पुरापाषाण में पत्थर के औजार पाए गए थे। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, भारत के किस पड़ोसी देश को बर्मा के नाम से जाना जाता है? 5 सेकंड आपके पास। तो डी आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, म्यांमार को बर्मा के नाम से भी जाना जाता है। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला भारतीय कौन थी? तो 5 सेकंड आपके पास। सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नीरजा भनोट, जिनको अशोक चक्र मिला था। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, फूड फॉर ऑल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? 5 सेकंड आपके पास। बी आंसर यहाँ करेक्ट हो जाएगा, उमा लेले ने ये पुस्तक लिखी है, फूड फॉर ऑल। और इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो इन 15 क्वेश्चन में से लेकर, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूंगा और आपको समझाऊंगा भी। और इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।